हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक एंड गेम एरेना। लास्ट वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसके लिए सबको थैंक यू। मेरा फर्स्ट वीडियो था और मैं वापस आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। ये एक ऐसी ट्रिक है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। इस ट्रिक में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे प्ले स्टोर की कोई भी पेड ऐप या कोई भी पेड गेम को फ्री में डाउनलोड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की नीड होगी जो कि मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, और इसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। देयर इज द ऐप ऐप वीएन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही एक ब्लू कलर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसे ऐप वीएन का सिंबल दिख रहा होगा आपको। एंड इसके बाद एक पॉपअप आएगा जिसको आपको सिंपली अपडेट पर क्लिक कर देना है। यहां पे आपको दिखाएगा डाउनलोडिंग अपडेट। अब आपको इस स्क्रीन पर स्टे करना होगा। स्टे की टाइमिंग डिपेंड करती है आपकी नेटवर्क स्पीड पर कि कितने कितने स्पीड आ रही है आपके नेट पे, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने स्क्रीन पर स्टे कर रखा है। एंड देखिए, एक इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ गया है। मैं इसको सिंपली इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। अगर इसके अलावा और कोई भी इंस्टॉल करने के लिए आता है, आपको नॉर्मली इसको स्किप कर देना है, उसको इंस्टॉल नहीं करना है। वो ऐड है जो इस ऐप के थ्रू आती हैं, आपको बस इसी ऐप को इंस्टॉल करना है। ध्यान रखिएगा, जिन स्टेप को मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको वही स्टेप फॉलो करने हैं, वरना ये प्रोसेस पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। तो अब आपको इसके इंस्टॉल होने का वेट करना होगा। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। आपको सिंपली इसको ओपन नहीं करना, बस डन कर देना है। मैंने कहा था कि कोई और पॉपअप भी आ सकते हैं, आपको इनको इग्नोर करना है, सिंपली होम की प्रेस कर दीजिए। अब जैसा ही अपना ऐप ड्रॉअर ओपन करेंगे, आपको सेम नेम की दो ऐप इंस्टॉल दिखाएगा। आपको सिंपली जो पहले इंस्टॉल करी थी ऐप, उसको अनइंस्टॉल कर देना है। एंड अनइंस्टॉल हो चुकी है यहाँ पे। अब आपको न्यू वाली ऐप को सिंपली ओपन करना होगा। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऐप ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। पहली चीज़, मेरा यहाँ पे अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, तो मेरे को लॉगिन करने की नीड नहीं है, आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए मांगेगा। एंड सेकंड चीज़, आपके में जो लैंग्वेज आएगी वो कुछ दूसरी आएगी स्टार्टिंग में। आपको सेटिंग्स पे जाके, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, सेटिंग्स, सॉरी फीडबैक पर चला गया मैं सेटिंग्स पे जाके आपको सेट लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, आपको उसको इंग्लिश पे क्लिक करना होगा। मैं स्टार्टिंग प्रोसेस बता रहा हूँ, ये आप ये याद रखिएगा। अब आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाना होगा। तो जैसे कि मैं गया अपने, अब मेरे को कोई भी ऐसी ऐप ढूंढनी होगी जो कि पेड हो। कोई भी ऐप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कोई भी पेड ऐप नहीं है। मैं टॉप चार्ट्स पे जाता हूँ, यहाँ पे टॉप पेड ऐप्स पे जाता हूँ। तो ये कुछ ऐप्स हैं जो कि पेड हैं, तो इसमें से मैं कोई भी ऐप डाउनलोड करता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस कॉल रिकॉर्डर लाइसेंस, तो ये लाइसेंस की होगी। मेरे को एक पूरी ऐप चाहिए, क्योंकि अगर मैं लाइसेंस की करता हूँ तो मेरे को ओरिजिनल ऐप भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, ओके दिस ऐप 199 रुपीज़ की है, सॉरी 19 रुपीज़ की है। मैं इसको यहाँ पे फ्री में डाउनलोड करने जा रहा हूँ। आपको इसके लिए शेयर पर क्लिक करना होगा। शेयर पर क्लिक करने के बाद आपको ऐप वीएन का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको ऐप वीएन पर रिडायरेक्ट कर देगा, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। जैसे ही डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा, एक परमिशन मांगेगा। आपको इस पर क्लिक करते ही आप सेटिंग्स पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आपको यहाँ पे ऐप वीएन ऑटो इंस्टॉल को फाइंड करना होगा और उसको सेटिंग से जाके ऑन करना होगा। ये बस एक बार का प्रोसेस है, जब आप पहली बार ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। आप बस अब दो बार बैक की प्रेस करिए और ओके कर दीजिए।
जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। 12.2 MB की ये ऐप है एंड स्पीड भी काफ़ी अच्छी आ रही है नेट की, एंड ये डाउनलोड हो चुकी है। जैसे डाउनलोड होगी यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन मांगेगा, मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया है और यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक पेड ऐप थी जो कि इंस्टॉल हो चुकी है। मैं इसको डन करता हूँ, मैं प्ले स्टोर पर जाता हूँ और आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार। मैं सारी ऐप्स को क्लियर कर देता हूँ और जो मैंने ऐप इंस्टॉल करी है मैं उस पर जाता हूँ। दिस इट हार्ट रेट प्रो, एंड जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। एक लाइसेंस ऐप थी जो कि मैंने फ्री में इंस्टॉल करी है बिना किसी भी रुपीस को इन्वेस्ट करे हुए। मैं प्ले स्टोर पर दोबारा जाता हूं, मैं आपको बता दूं कि ये वर्क करेगी, बिल्कुल करेगी। हाँ कुछ ऐप्स होती हैं जो कि ऐसे डाउनलोड नहीं हो सकती हैं, बट अराउंड ज़्यादातर ऐप ऐसे डाउनलोड हो जाएंगी। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं रन नेस्टिक हार्ट प्रो जहाँ पे 90 रुपीज़ दिखा रहा था वहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है, यानी ये 90 रुपी की ऐप मैंने फ्री में डाउनलोड करी है। तो ये थी आज की ट्रिक। आप ऐसे कई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आप जो कि पेड है प्ले स्टोर पर, कई गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ ऐप्स डाउनलोड नहीं होंगी पर अराउंड ज़्यादातर ऐप डाउनलोड हो जाती हैं, अराउंड 80 to 90% एंड गेम्स भी डाउनलोड हो जाती हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं ऐसे ही ट्रिक लाता रहूँगा, ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर किसी भी प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। एंड इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, ध्यान रखिएगा आप मेरे ही लिंक से डाउनलोड करें क्योंकि वो सबसे फास्टेस्ट लिंक है और इसी वर्जन की ऐप आपको चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मेरे चैनल के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।